केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजगढ़ से हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। सभा है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी थी, इसके कारण आतंकवाद बढ़ता था, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं लहराया जाता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर कर, 10 साल तक एक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, समग्र देश से भाई रहने दो, ए रहने दो, क्या कर रहे हो अभी, चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। और नरेंद्र मोदी जी ने सब बैठ जाइए जरा, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। डिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का, 80 करोड़ लोगों को हर महीना 5 किलो अनाज। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, 3 तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। शरिया कानून से देश चलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाने का बात करती है। और ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आ गए। भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो, शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा, ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है।
जाकिर नाइक को एक गले लगाते हैं, अफजल गुरो जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया इसकी फांसी का विरोध करते हैं, पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं और सीएए के समर्थक पर लाठी चलाने का काम। भाई और बहनों मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए ना? ये बता देना बंटाधार को, हम राजगढ़ को फिर से बीमारू राजगढ़ नहीं बनाने देंगे, नहीं बना देंगे। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, हर खेत में हर किसान को सिंचाई की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी के राज में मक्के की एमएसपी 1300 रुपया थी, 2000 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सोयाबीन 2560 था, 4600 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गेहूं 1400 रुपया था, बढ़ाकर 2275 करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, बहुत बार आए, बहुत बार गए, अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूं। भाइयों और बहनों, हमारे नेता रोडमल जी ने 2000 करोड़ का प्रावधान रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन परियोजना के लिए किया, अनाज उत्पादन 12 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचा, 200 बिस्तरों के अस्पताल को 500 बिस्तर का बनाया, 400 करोड़ से राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, 1600 करोड़ से 7000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन से 1350 गांवों में नल से जल पहुंचाया और 27 करोड़ के खर्चे से देश में 7 में से 1 ऐसा व्यवसायिक महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। 13 करोड़ से आदर्श महाविद्यालय, 12 करोड़ से नवीन शासकीय महाविद्यालय, 9 करोड़ से लॉ कॉलेज, 400 करोड़ से मेडिकल कॉलेज और पीएम श्री स्कूल को बनाने का काम भी हमारे रोडमल जी ने किया। और राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, कुरावर और श्यामपुर में नई रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी हमारे सांसद महोदय ने किया है। राजगढ़ वालों, अंत में मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, सभी को कोरोना का दो दो टीका लग गया है या नहीं लग गया? अरे यार जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता, लगा है या नहीं लगा है? सब हाथ उठाओ जिसको लगा है। एक चार आना भी देना पड़ा है? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मुफ्त टीका लगाया या नहीं लगाया? 130 करोड़ लोगों को हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना का टीका लगाकर भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और उस वक्त दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है, ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए।
अरे राहुल बाबा, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, शर्म मानी चाहिए आपको, शर्म मानी चाहिए। भाई और बहनों, इनके हृदय में जनता का भला नहीं, इनके हृदय में खुद की राजनीति है। और मैं आज कहने आया हूं, यह डबल इंजन सरकार है। एक और हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी सरकार चला रहे हैं और ऊपर नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। ये डबल इंजन सरकार दिन दूनी रात चौगुनी मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। 5 साल में मोदी जी ने 9 लाख करोड़ रुपया, 7,74,000 करोड़ रुपया ग्रांट का और 1,77,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का मध्य प्रदेश को देने का काम किया है और मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। ये 20 साल से बंटाधार जिसको बीमारू राज्य बनाने बनाकर गए थे, वो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी टर्म दे दो, मैं कहकर जाता हूं तीसरी टर्म में भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। तो बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से। मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आसिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना, उनकी शान जैसी लीड से हराना। समझ में आ रहा है? आ रहा है? गत चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राजगढ़ वालों का बारिश में भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।